गई वो शरारा गया, वो हरारत गई वो शरारा गया, दावते हुस्ने किरदार बेसूद है, था जो हुस्ने अमल का सहारा गया। शाहे कौनैन से साहेब खाबा हुसैन से, बदनसीबो शहंशाह कौनैन से साहेब खाबा हुसैन से, तुमने की दुश्मनी हमने की दोस्ती, हरा गया। एक ऊंचे में मरकर ये जाहिर हुआ, कुछ नहीं फर्श से अर्श तक का फासला। इनके कूचे में मरकर ये जाहिर हुआ, कुछ नहीं फर्श से अर्श तक का फासला। गोद में ले लिया रिफते अर्श ने जिस घड़ी खबर में उतारा गया, गोद में ले लिया रिफते अर्श ने जिस घड़ी खबर में उतारा गया। आज दस्तगीर की 17वीं है, लेकिन महफिल कुछ खादियानियत की तरफ भी पलटी। शियातुल्लाह साहब ने बहुत आलिमाना तकरीर की, हदीस और कुरान की रोशनी में फितने खादियानियत के ताल्लुक से आप हजरात के सामने बोला। मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ, वो इसलिए ये मसले खादियानियत जो जहर इस फिरके में था, हर वो अकीदा रखने वाले, कोई भी जमात से ताल्लुक रखने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब खातिमुन नबी मानते, उस अकीदे पर कोई जमात का इख्तलाफ नहीं। लेकिन एक ऐसी जमात थी जो मुसलमानों में रहकर हमारा रंग रूप ढाल कर, हमारी तरह टोपी पहनकर, हमारी तरह दाढ़ी छोड़कर वो गुमराह कर रहे थे। किसको गुमराह कर रहे थे? कोई हिंदू को, कोई काफिर को लाके खादियानी नहीं बना रहे थे, हमारे मुसलमानों में से ही लोग मुसलमानों को खादियानी बना रहे थे। खादियानी से मुराद वो फिरका जिसको आलम इस्लाम ने खारिज इस्लाम मुत्तफ़िक़ तौर पर किया था। तो हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, कोई फैसला हुकूमत अपने तौर पे नहीं कर सकती, सबको अपने अपनी इबादत गाहों पर इबादत करने का हक है। जो चाहे मंदिर में घंटा बजा ले, जो चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ ले, जो चाहे गिरजा घर में जाके अपनी इबादत कर ले। लेकिन एक ऐसा जहर था, इसको कोई हुकूमत की मोहर की ज़रूरत थी। जब मैं सदारती कुर्सी पर बैठा था, एक जमात आई आदिलाबाद से, आके कहने लगी हमारे पास झगड़ा हो रहा है कि खादियानी कह रहे हैं हमारी मस्जिद है, हम सुन्निया कह रहे हैं हमारी मस्जिद है। मसला पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वाला बोल रहा अंदर तुर्कुल्लू मीरगुड़ा तुर्कुल्लू वालूगुड़ा तुर्कुल्लू दोनों दोनों मुसलमान हैं, बैठ के कुछ भी एक तस्फिया कर लो। वो उसको समझ में नहीं आ रहा ऐसा ही को ख़त्म नबूवत। वहाँ एक दो सतरी तहरीर दी गई कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा मस्जिद सुन्नियों के हवाले की जाए। तो फौरन वो मस्जिद सुन्नियों को मिल गई। प्रेशर बढ़ता गया, कई जमातें आती गई, रिप्रेजेंटेशन बढ़ते गए। चलो अब वहाँ पर लोगों ने इस मशवरा दिया, क्यों जा रहे हैं झमेले में, आपकी कुर्सी चले जाएगी, कुछ असर हो जाएगा। उसके बाद धमकियों के फोन शुरू हो गए कि आप जिस दिन ये खादियानों का फैसला करेंगे आपकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया जाएगा, वो आपका आखिरी दिन रहेगा। पहला फ़ोन जब आया, इत्तेफाक से शुजातुल्लाह साहब मेरे सामने बैठे हुए थे, डेरी में हम दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, एक फ़ोन आया। अब वहाँ से जब धमकी का फ़ोन आया तो ज़रा ईमान की हैबत नहीं, ईमान की हरारत बढ़ गई, ईमान की हरारत बढ़ गई। आप लोगों ने ये कहा कि मत करो फला करो, अब रात दिन सोच रहा हूँ, 7-8 दिन बाकी है, इस्लाम के लिए कुछ नहीं करे, सरकार के लिए मिटे नहीं कुर्बान नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई नज़र नहीं पेश करे, अब ये मौका आ गया है, करना है, चाहे गाड़ी बम से उड़ जाए, चाहे गोली लग जाए, कुछ भी हो जाए, फैसला लेना है। अल्लाह के फजल से हमने फैसला लिया। तो अल्लाह के फजल
नारी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के करम से ये फैसले की गूंज ना ही हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में, हत्ता के ईरानियन कौंसलेट नदवा से लेटर आया, देवबंद से लेटर आया, सहारनपुर से आया, निज़ामिया से आया, अमजदिया से आया, सब आए। इंतहा ये कि अल्लाह का करम है ईरानियन कौंसलेट तक आकर मकबूबा बोर्ड में शुक्रिया मुबारकबाद पेश करके गए, आपने ऐसा इकदाम किया है जो इसकी बात ईरान तक गई है, क्योंकि हिंदुस्तान में रह के करने का काम था। बहरहाल अल्लाह ने कराया, हमने किया और उसका फल जो आ रहा है, तब ये फ़ायदा ये रिजल्ट आने लग गया है। और उनकी जो एक लेबल था मुसलमानों का, अल्लाह के फजल से 99% वो लेबल ख़त्म हो गया। बहरहाल मैं अपने मौजू पे आऊँ, आज खुशी इस बात की है कि हमारे सिलसिले में और एक चीज़ जाम निज़ाम है कि कामुल हदीस एक आलिम दीन को खिलाफत से नवाजा गया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इनको बुजुर्गान दीन के तालीमात पर अमल करते हुए लोगों तक इन तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हजरात गिरामी, क्या तकरीर करूँ सोच रहा था तो बाबा के कुछ तकारीर कुछ गुफ्तगू मुझे याद आ रही थी। जब तक बंदा अमल के मैदान में पूरा नहीं होता वो उसका ईमान कामिल नहीं होता। क्योंकि आज हम गौसुल आज़म दस्तगीर की याद मनाते हैं, गौसुल आज़म दस्तगीर की ग्यारहवीं करते हैं, गौसुल आज़म दस्तगीर का झंडा बुलंद करते हैं, हर मुसीबत में आवाज़ देते हैं। और आजकल के लोगों का भी ऐसा माहौल हो गया, नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे, शराबखोरी करेंगे, लोगों के चुगलियाँ करेंगे, बुरे कामों में मुलवस रहेंगे, मुश्किल आते पुराने पीर को पुकार रही, शाह अफजल बिहारी को पुकार रही, रसूलुल्लाह को पुकार रही, फिर यह दावा होता है कि हमारी मदद नहीं हो रही। मदद नहीं होती, मदद नहीं होती, मदद तभी होती आप उनके तालीमात पर अमल करें, मदद तभी होती उनके अहकाम की पाबजाई करें, मदद तभी होती उनके ज़िंदगी के जो उनके अहवाल थे उनके अतवार थे वो अपनाएं। एक साहिबा ने पूछा, औलिया इकराम पहले पैदा हो रहे थे अब क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह है? मैं आपको गौसुल आज़म दस्तगीर से लेकर शाह अफजल बिहारी तक एक वाक़या सुनाता हूँ, ये तो मशहूर वाक़या है, उसमें से कुछ देना चाहता हूँ। गौसुल आज़म दस्तगीर के वालिद बुजुर्गवार जा रहे थे, कई दिन से भूखे थे, भूख की शिद्दत थी, नहर में पानी पीने के लिए रुके तो देख रहे हैं कि पानी में एक सेब आ रहा है ढलते हुए। आपने फौरन, भूख इतनी थी कि सोचा भी नहीं, फौरन वो सेब को खा लिया। जब वो सेब को खाए, पानी पी के सैराब हुए, उसके बाद सोचे कि मैं ये सेब कहाँ से किसका था, एक नदी में बह के आ रहा था, मैं खा गया। उस नदी के बाजू बाजू से गए वो सेब के मालिक को तलाश करने के लिए, वो किस बाग का सेब है। जब वो बाग के करीब पहुँचे तो देखते हैं कि बाग के बाजू से नहर आ रही है, सेब के पक्के डालियाँ उस पर झुके हुए हैं, सेब पक के उसमें टपक रहे हैं। उस मालिक के पास गए, जाके कहने लगे, मैंने गलती की है, आपसे बगैर पूछे आपके खेत का मैंने एक सेब खा लिया है, आपके बाग का मैंने एक सेब खा लिया है, अब जो भी मुझे इसकी सज़ा देते मुझे सज़ा कबूल है। तो आपने फरमाया, मेरे बाग में बग़ैर उजरत के बग़ैर मजदूरी के काम करना होगा। तो हजूर गौसुल आज़म के वालिद बुजुर्गवार एक साल तक काम करते हैं, एक साल के काम होने के बाद फरमाते हैं, आपने जो वक्त दिया था मैंने सारा काम कर दिया एक साल का, अब मुझे इजाज़त दे एक सेब के वास्ते एक साल, अब मुझे इजाज़त दे। तो आप फरमाते हैं, अभी तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई,
तुम्हारी और एक सज़ा है। बोले क्या सज़ा है? मेरी एक बेटी है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, अपाहिज है, उससे तुम्हारे को शादी करना होगा, उससे तुम्हारे को शादी करना होगा। तो आप मान लेते हैं, आज 10 लाख रुपए दिए तो कोई शादी नहीं कर रहा, एक सेब की उजरत के लिए आप हाँ कह देते हैं, जब वक्त हो जाता तो आप कमरे में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि हसीन और जमील औरत, जिसकी आँख भी अच्छे, जिसके हाथ भी अच्छे, जिसके कान भी अच्छे, सही सालम बैठी हुई है बस से बाहर आ जाते, पूछते हैं कि हजरत आपने तो कहा था कि एक लंगड़ी लूली अंधी औरत से मेरा निकाह होगा, अंदर तो एक हसीन और जमील औरत बैठी है। तो आपके वालिद, लड़की के वालिद फरमाते हैं, मैंने अंधी इस वास्ते कहा था, वो मेरे अलावा कोई गैर मर्द को नहीं देखी, मैंने महरी इस वास्ते कहा था, कोई नामहरम की आवाज़ उसके कान में नहीं पड़ी, वो मुक्की इस वास्ते कहा था, मेरे अलावा वो किसी से बात नहीं करी, लंगड़ी इस वास्ते कहा था, मेरा घर छोड़कर मेरे घर के चौपट के बाहर ख़त्म नहीं रखी। तो वैसे नेक लोगों के पेट में गौसे आज़म दस्तगीर पैदा हुए। आज महासभा करें, कौन पाक है, कितने गलतियां हो रही हैं, औरतें किस तरह फैशन पर है, गैर मर्दों में चले जाना, लोगों से बातचीत करना, थिएटरों सिनेमा की लाइन में ठहरना, रंग रंगेलियां मनाना, ये फैशन हो गया है। जहन्नुम ने अपनी शक्ल बदल दी है, आज हमने उसको कल्चर और तहजीब फैशन का नाम दे दिया। तो बताएं, आज को ऐसे नोक नेक लोग हैं, तो वो नेक लोग थे तो उनके पेट में पुराने पीर जैसे लोग पैदा हो गए। तकवा की बात आई तो मैं शाहफजल बियाबानी की बहू का भी एक वाक़ा सुनाता हूँ, आगे चलूँ, जो मेरे दादा की वालदा थी। घर में बैठे हैं, खाना पक के आता ना, बिरयानी आती, मुरीदों के पास से खाना आता, खाना पेश करते तो दादी माँ नहीं तमाना फरमाती थी, अब ये खाना खाइए। नहीं खाऊंगी, क्यों? ना जाने कितने गैर मर्दों ने इसे पकाया, कितने गैर मर्दों ने इस खाने पर नजर लगी। वो तकवा परहेज़गारी थी। और एक फूफू का वाक़ा सुनाता हूँ, देखिए किस तरीके से पाकिजगी थी। एक फारसी का शेर था, तर्जुमा कराने का था, तो किसको आती फारसी, किसको आती? अशरफुन्निसा बेगम को आती। उन्होंने फ़ौरन फारसी का तर्जुमा कर दिया। जैसी खुशी में तर्जुमा लेके बाहर जाने लगे, दादी माँ ने कहा कि गैर मर्द को तू मेरी राइटिंग बताएगा? वो नेक वो परहेजगार थे तो उनके पेट में वैसे पैदा हुए। तो हजरात गिरामी, ये पुराने पीर, रोशन ज़मीर, तमाम औलिया के सरताज, वलियों के सरताज, आज हम उनका जश्न मना रहे हैं। यानी वो पुराने पीर थे कि एक दो तीन करामा सुनाता हुआ रुख्सत हो जाऊं, क्योंकि रात देर है हो रही है, कि एक बुज़ुर्ग, आपकी हुकूमत ना ही इंसान अजन्ना में भी थी, जिनको हाजिर करना चाह रहे थे, बुला रहे थे, जिन नहीं आया, बहुत देर के बाद आया, तो पूछे तुमसे देर क्यों हुई? इसलिए हुई कि हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर वास फरमा रहे थे, हम सारे जिन्ना उनके महफिल में बैठे थे। ये वो शख्सियत थी। यानी छोटे छोटे वाक़ा थे। एक मरतबा हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर मस्जिद में बैठे हैं, आपको छींक आती है, देखिए कैसी शख्सियत थी, आपको छींक आती है तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह कहते ही सारी मस्जिद या रहमतुल्लाह करी गूंज उठती है। तो बादशाह वक्त पूछता है, ये इतनी पब्लिक क्यों चूख रही है? इसलिए चीख रही है कि पुराने पीर को छींक आई थी, लिहाजा सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा। यानी आपके मुख्तसर छोटे छोटे करामात। बगदाद में कैद हो गया, एक आपका गरीब मुरीद आके कहा, सरकार ज़्यादा कसीरुल अयाल हूँ, ज़्यादा बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो आप उसको एक आधी बोरी गेहूँ देते हैं, देकर कहते हैं, जा इसको ढाप कर रख, सुराख करके रोज़ इस्तेमाल किया कर, सुराख करके रोज़ इसमें से इस्तेमाल किया कर। उसने 5 साल तक इस्तेमाल किया। 5 साल के बाद वसवसा आया, और खोल के देखो कितने हैं। जैसे वो खोल के देखा, उसके बाद 7 दिन में ख़त्म हो गए।
पहुंचा हजूर गौसुल आजम दस्तगीर के बारगाह में, बोले सरकार आपने जो गेहूं दिए थे मैंने 5 साल तक इस्तेमाल किए और खोल के देखने के बाद 7 दिन में ख़त्म हो गए। तो आप फरमा रहे मैंने तो तुझे था नहीं खोलना, अगर तू नहीं खोलता तो सारी उम्र तू खाता होता उससे। ये गौसुल आजम दस्तगीर हैं, एक बुज़ुर्ग की याद, नाम याद नहीं है, बुज़ुर्ग की इयादत के लिए जाते हैं। वो बुज़ुर्ग के घर के सामने 2 खजूर के झाड़ जो 4 साल पहले सूख जाते हैं, आप जाकर 1 खजूर के झाड़ के नीचे वजू फरमाते, दूसरे खजूर के झाड़ के नीचे 2 रकात नफिल पढ़ते, तो देखने वाली आँखों ने देखा वो 2 सूखे खजूर के झाड़ हरे हो जाते, उसमें से खजूर आने लगते, लोग उस खजूर खा के मुस्तफ़ीद होते। तो बहरहाल हजरात तफसीली तकारीर आप हजरात ने सुनी, आप हजरात से ये ख्वाहिश है कि पुराने पीर के मुजाहिदात को देखें। वो है पुराने पीर, माँ पेट के वली रहने के बावजूद भी आपने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, आपसे कोई नमाज खजा नहीं हुई। अगर पुराने पीर के सच्चे आशिक बनना चाहते हो, उनकी नज़र करम अपने पे रखना चाहते हो, उनके फैजान से मुस्तफ़ीद होना चाहते हो, गौस के सच्चे आशिक तभी कहला जाओगे उनके अहकाम पर अमल करें, नमाजों की पाबंदी करें, झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, गीबत ना करें, सूद ना खाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिगफार करें, तभी कामयाबी हासिल होती है। قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ يُحِبُّكُمْ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ بارش کر انعام کی پھر، شان بڑا اسلام کی پھر، رب ہمیں اے پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، اے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے پروردگار جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے اسباب بنا دے، اے پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار جو کیسوں میں مبتلا ہے ان کو آسانی فرما، اے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے، اے پروردگار ہمارے دلوں سے نفاق کو نکال دے، اے پروردگار مسلمانوں میں نیک اور ایک ہونے کی توفیق، سبحان پیران دے پیر یارو ڈوبیاں نے تھار دے، پیران دے پیر یارو ڈوبیاں نے تھار دے، منگتے میران دے جڑے کدرے نہیں ہار دے، منگتے میران دے جڑے کدرے نہیں ہار دے، دامن میرا دا پڑیا پھر کوئی کم نے اڑیا، دامن میرا دا پڑیا پھر کوئی کم نے اڑیا، وارث نے غوث العظم میں یوگن ہار
सब जंजीरा कह दारो मेरा मेरा टूट जावण सब जंजीरा या मेरा गौसुल आजम दुखड़े निसार दे या मेरा गौसे आजम दुखड़े निसार दे पीरा दे पीर यारो गल विच है प्यार दी माला ओना दा रुतबाला गल विच है जेड़े गौसे आजम तो तन मन ने वार दे जेड़े गौसे आजम तो तन मन ने वार दे पीरा दे पीरा।